वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद बेल बटन को दबाइए वीडियोस के। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूं जसिंदर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जस्ट टेक। तो गाइस, जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो है हमारे मी बैंड 4K रिगार्डिंग। जी हाँ, मेरे को नियरली 3 से 4 दिन पहले मैं इसको इसका एक न्यू जो हमारा अपडेट था वो देखने को मिला था। जो हमारा अपडेट था मेरे को अपनी ऐप स्टोर के अंदर देखने को मिला। आप भी चेक कीजिए, शायद आपको वो अपडेट देखने को मिलेगा। आपको जाना है यहाँ पे अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के अंदर। उसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे आप जब ऐप्स के अंदर जाएंगे आपको एक अपडेट देखने को मिलेगा। आपको इस अपडेट को इंस्टॉल करना है, एंड उस अपडेट को इंस्टॉल करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिले। बेशक हमारा जो न्यू फर्मवेयर वर्जन है हमें कोई वर्जन चेंज देखने को मिलेगा, बट जो हमारा अपडेट है वो काफ़ी एक स्मूथ अपडेट मेरे को देखने को मिला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद बेल बटन को दबाइए वीडियोस के अपडेट्स। तो भाई, जैसे मैं आपको इस टाइम फर्मवेयर वर्जन दिखाना चाहता हूँ अपडेट के बाद, वो हमारा बिल्कुल सेम है। जी हाँ, हमको इस टाइम कोई भी न्यू फर्मवेयर वर्जन देखने को नहीं मिला बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं जो इस टाइम हमारा फर्मवेयर वर्जन है वो है V1.0.948। ये अपडेट जो फर्मवेयर वर्जन काफ़ी टाइम पहले आया था, बट मेरे को नियरली 3 से 4 दिन पहले एक अपडेट आया, तो मैंने सोचा इसको अपडेट करता हूँ। एंड अपडेट करने के बाद मेरे को इसके अंदर कोई न्यू फर्मवेयर वर्जन देखने को नहीं मिला। बट जैसे ही मैंने अपडेट किया उसके बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे हमारी मी फिट ऐप है जो वो काफ़ी एक स्मूथली वर्क कर रही है। जी हाँ, जैसे पहले था कि जो हमारा सिंकिंग टाइम था वो काफ़ी ले रहा था, बट इस अपडेट के बाद जो सिंकिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मीन जब हम कोई चीज़ सिंक करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली विद इन 2 से 3 सेकंड में सारा हमारा सिंक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस टाइम, तो देखिए मीन्स जो ऐप है वो काफ़ी अब स्मूथ हो रही है। बाकी अगर हम अपने स्मार्ट बैड के अंदर जाते हैं तो हमें सारी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी। एंड स्टोर यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है पहले तो, बट अब काफ़ी इन्होंने इसको स्मूथ कर दिया है। अलग अलग उसको कैटेगरीज बना दी गई हैं जो हमारे वॉलपेपर्स हैं। तो अब जाओ, जो भी आपको चाहिए, जैसे कलर्स चाहिए आपको कलर्स वाले वॉलपेपर मिलेंगे, लार्ज नंबर्स वाले मिलेंगे, तो ऐसी अलग अलग कैटेगरी बना दी गई। ये पहले भी था बट इस टाइम ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है, एंड ये काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करता है। आप यहाँ पे मैनेजर में जाके जो अपने स्मार्ट बैंड के बारे में चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से वॉलपेपर वगैरह सेव कर रखे हैं। एंड इफ़ यू वांट तो आप कुछ फेवरेट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप जाइए जो आपका स्टोर है, आप इसके बाद यहाँ पे जाके इसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं अगर आपको बताता हूँ जो इस ऐप की जो इसके बाद जो है, ये हमारी ऐप है काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। एंड अगर मैं इसमें फर्मवेयर वर्जन दिखाना, तो आप देख सकते हैं जो इस टाइम हमारा फर्मवेयर वर्जन है वो है 1.0.948। काफ़ी स्मूथ ये वर्जन हमें देखने को मिला है। मीन्स जो पहले इसमें मेन प्रॉब्लम्स हो रही थी वो अब कोई भी नहीं हमें देखने को मिली, काफ़ी स्टेबल है एंड काफ़ी इसको इम्प्रूव किया गया है पहले से। इसके बाद हमें अगर वाइब्रेशन में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन भी चूज़ कर सकते हैं। ये पहले मैंने देखा था काफ़ी लैग वगैरह हो रहा था इसमें, बट इस अपडेट के बाद ये काफ़ी एकदम स्मूथ हो चुका है। मेरे को कमेंट्स आ रहे थे कि अपडेट के बाद बैटरी बैकअप बहुत बेकार हो चुका है, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने 5 दिन पहले, आप देख सकते हैं कि मैंने 5 दिन पहले चार्ज किया है, एंड स्टिल जो मेरे पास बैटरी है वो है 63%। जो मेरा मी बैंड 4 की बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिल रहा है। एंड अगर आपने नहीं इसको अपडेट किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस अपडेट को इंस्टॉल कीजिए। इसका जो आपकी बैटरी प्रॉब्लम वो भी मे बी अब सॉल्व हो जाएगी पूरी तरीके से। अगर फिर भी आपकी जो बैटरी प्रॉब्लम वो नहीं सॉल्व हो रही, तो इसके लिए आपको करना है कि जो आपका ये मी बैंड 4 है आप उसकी सेटिंग्स में जाके एक बार इसको पूरा रीसेट मार दीजिए। आप देख सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको आपको जाना है, इसको आपको फैक्ट्री रीसेट मारना है। सबसे पहले आप रिबूट मारिए इसको, रिबूट मारने से आपकी 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो आप इसको फैक्ट्री रीसेट मारिए, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 100% आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज, ये थी आज की हमारी सारी वीडियो की जो 1.0.948 है, उसके बाद भी हमें एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला है, बट इसमें हमें कोई नया मीन्स फर्मवेयर वर्जन देखने को नहीं मिलता। ये जो हमारी मेनली स्टेबिलिटी के लिए ऐप के लिए, एंड इसके बाद जो आपकी ऐप है काफ़ी स्मूथली वर्क करेगी, एंड आपका मी बैंड 4 है वो भी एक काफ़ी शानदार तरीके से वर्क करेगा। तो गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड हमें प्लीज़ एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं, तो हेल्प अस कि हमें हमारे 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए विद इन 3 मंथ्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इट्स जस्ट टेक।